हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन होगी लार्ज इंटेस्टाइन की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। आई होप ये वीडियो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। सो कोलोन इज एन अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री ट्रैक का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल। फर्स्ट, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। सो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर्स इन टोटल। सो 1.5 मीन्स 1.5 मीटर की ये लॉन्ग ट्यूब है लार्ज इंटेस्टाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम एंड एंड्स एट रेक्टम एंड एनाल कैनाल। सो ये डायग्राम में देखिए, सीकम, सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये एंड स्टार्ट यहाँ से होती है लार्ज इंटेस्टाइन सीकम से, और एंड कहाँ पर होता है इसका? रेक्टम पे। रेक्टम इसका लास्ट पार्ट है, एंड देन एनाल कैनाल। एनाल कैनाल और रेक्टम इसका लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट, इट्स ल्यूमन इज़ बिग एंड इट्स अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर में होती है लार्ज इंटेस्टाइन के, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन ने स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड किया हुआ है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे तो लेंथ में बड़ी है, लेकिन उसको स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका ल्यूमन स्मॉल होता है, मीन्स उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है, वो इतनी चौड़ी नहीं है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है वो बिग है, मीन्स जो इसका डायमीटर है वो बड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ी है, ब्रॉड है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द ल्यूमन, ल्यूमन पर डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी है और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी है। सो ये थे इसके इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो 7 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम में देखिए, सीकम। सो दिस इज अ सीकम, सीकम इसका फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो इलियम और सीकम जहाँ पर मिलते हैं वो उधर एक वॉल्व बनता है जिसको बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व। सो दिस इज इलियोसीकल वॉल्व। नेक्स्ट इसका पार्ट है सीकम के बाद, असेंडिंग कोलोन। सो असेंडिंग कोलोन मीन्स जो असेंड हो रही है, ऊपर जा रही है, सो दैट इज असेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स है ये, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलोन, जो कि नीचे आ रही है इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड एस शेप का है, एस से सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन, ये एस शेप की कर्व बनती है, सो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। लास्ट है रेक्टम, एंड लास्ट एनल कैनाल या फिर एनस। सो ये 7 पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन के, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सीकम। सो सीकम जो कि फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डायलेटेड रीजन। ये 6 सेंटीमीटर का होता है, लॉन्ग है और डायलेटेड रीजन है, थोड़ा सा ये डायलेट हुआ हुआ है यहाँ से, इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ये फूला हुआ चौड़ा है, यहाँ से डायलेटेड है इस, सो इसलिए इसको बोले डायलेटेड रीजन। एंड इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का एंड कोलोन का, एक ही बात है कोलोन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? ये सीकम के साथ एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या फिर सिर्फ अपेंडिक्स भी बोलते हैं। वैसे इसका कोई भी रोल नहीं है डाइजेशन में, बट अगर ये इन्फ्लेम हो जाए, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो ये फिर इरिटेट करती है और बहुत पेनफुल होती है फिर ये, इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, जब ये इन्फ्लामेशन हो जाती है अपेंडिक्स में तब ये इरिटेट करती है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। सो ये था सीकम। अब है कोलोन, सीकम को अलग पार्ट लिया है, देन कोलोन जो मेन कोलोन है, मेन उसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सो असेंडिंग इसलिए बोला है क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ये अपवर्ड्स जा रही है, इसलिए असेंडिंग बोला है। पासिस अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम, सो सीकम से अपवर्ड जा रही है, एंड इज़ अबाउट 10-20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एट द लेवल ऑफ लीवर इट कर्व्स टू द लेफ्ट टू बिकम ट्रांसवर्स कोलोन।
अब ये ऊपर जा रही है इसलिए इसको असेंडिंग कोलोन बोला है, और यहाँ पर लीवर है इसके पीछे, सो लीवर के लेवल तक जाकर ये कर्व हो जाती है, मीन्स इधर लीवर, जैसे ही लीवर तक पहुँची वहाँ पर लेफ्ट साइड कर्व हो जाती है, जिसको फिर आगे वो नेक्स्ट पार्ट बनता है ट्रांसवर्स कोलोन। सो यहाँ पर लीवर है इसलिए यहाँ पर एक फिशर बनता है, फ्लेक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्चर। सो यहाँ पर लीवर है इसलिए यहाँ पर जहाँ पर ये कर्व हुई है असेंडिंग कोलोन, सो इसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्चर। सो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ड्यूओडेनम, स्टमक एंड स्प्लीन। सो ट्रांसवर्स कोलोन के पीछे जो ऑर्गन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ड्यूओडेनम, स्टमक एंड स्प्लीन। सो यहाँ पर स्प्लीन है, सो स्प्लीन के लेवल पर ये डाउनवर्ड कर्व होता है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये फिर बनाती है डिसेंडिंग कोलोन। सो यहाँ पर स्प्लीन है इसलिए यहाँ पर बनता है स्प्लेनिक फ्लेक्चर, एंड देन इट कर्व्स डाउनवर्ड, और अब ये डाउनवर्ड कर्व्स किया और देन ये बना दिया डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलोन, दिस पासिस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये लेफ्ट साइड पर है एब्डोमिनल कैविटी के, नीचे जा रही है डिसेंडिंग कोलोन, एंड इज 25-30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 30 सेंटीमीटर लंबी है। एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट इट इज नॉन ए सिग्मोइड कोलोन। सो इलियक क्रेस्ट एक पेल्विक बोन है, वहाँ पर ये थोड़ा सा एस शेप को टर्न लेती है, मीन्स एस शेप कर्व लेती है, तो फिर इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन को, जब ये एस शेप कर्व ले लेती है आगे तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सो एस शेप है इसलिए एस फॉर सिग्मोइड कोलोन इसको बोला गया है। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब सिग्मोइड कोलोन के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज एस शेप ट्यूब। सो ये दिख ही रहा है आपको कि ये कर्व ले रही है, थोड़ा सा एस शेप बना रही है, सो दिस इज एस शेप ट्यूब एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये होती है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स टू बिकम रेक्टम, और ये आगे कंटिन्यू रहती है और डाउनवर्ड की तरफ मुड़ जाती है, फिर ये बनाती है रेक्टम। अब रेक्टम क्या है, इट इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एंड इट लीड्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलोन। सो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये सिग्मोइड कोलोन से निकलती है एंड टर्मिनेट्स एट एनल कैनल। सो एनल कैनाल जो है लास्ट पार्ट है रेक्टम के बाद, उसको पढ़ेंगे। एनल कैनाल या फिर एनस, इट इज़ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। सो ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और एलिमेंट्री ट्रैक का भी। इट इज़ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल। सो जो भी फूड पास हुआ माउथ से लेकर वो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया, और उसको बाहर निकालने का मतलब एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, एनस। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल, जो भी वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट हो जाता है और एनल कैनल इसको एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट है एनस इज कंट्रोल बाय द टू स्फिंक्टर्स। अब ये क्योंकि बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओपन और क्लोज करने वाले स्फिंक्टर तो होंगे, तो इसलिए यहाँ पर टू स्फिंक्टर है। फर्स्ट है इंटरनल स्फिंक्टर जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, और नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर पढ़ते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। सो जो इंटरनली प्रेजेंट है स्फिंक्टर वो स्मूथ मसल फाइबर से बना है एंड इट कंट्रोल्स बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इट मीन्स कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है ये स्फिंक्टर। सो ये इनवॉलेंट्री है, मीन्स ये हमारे विल में नहीं है, ये ब्रेन से ही ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो ये स्केलेटल मसल से बन रहे हैं एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल इट वॉलंटरी। सो आउटसाइड मीन्स एक्सटर्नली जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं इन मसल्स को। सो एनस इसका लास्ट पार्ट था और ये दो स्फिंक्टर इसमें होते हैं। सो ये थे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो जैसा पूरी एलिमेंट्री ट्रैक में स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की, वैसे ही इसमें होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट कुछ मॉडिफिकेशंस है इसमें, कुछ चेंजेस हैं। सिरोसा जो कि आउटर लेयर है वो सेम है, सिरोसा लेयर आउटर है डायग्राम में देखिए। नेक्स्ट है मसल लेयर, मसल लेयर में कुछ चेंजेस हैं जो कि सिरोसा के बाद मसल लेयर आती है, सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। सो सर्कुलर मसल लेयर तो सेम है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स में कुछ चेंजेस हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कलेक्टेड इनटू थ्री बैंड्स। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स यहाँ पर कुछ बैंड्स बनाते हैं, ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, टीनिया यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर कर्सर जा रहा है, टीनिया कोलाई
कॉल्टीनिया कोलाई एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम टू द रेक्टम. सो ये पूरा जो मसल लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है वो सीकम से लेके रेक्टम तक कुछ बैंड्स बनाते हैं. सो उनको बोलते हैं टीनिया कोलाई. सो ये बैंड्स क्या करते हैं, ये डिस्टेंशन में हेल्प करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. जैसे फूड पास होता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, सो एज द फूड पासिस इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, डिस्टेंड हो जाती है थोड़ी सी, लाइक इलास्टिसिटी कह लो, या ये जो है एरिया को बढ़ाता है. टीनिया कोलाई जो है एरिया को बढ़ाता है अंदर से. सो ये डिस्टेंशन में हेल्प करती है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है इससे अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन का. नेक्स्ट है सबम्यूकोजा. सबम्यूकोजा नेक्स्ट लेयर है और इसमें क्या चेंजेस है कि इसमें लिम्फोइड टिश्यूज ज़्यादा प्रेजेंट है देन एनी अदर पार्ट. जो भी स्मॉल पूरे एलिमेंट्री ट्रैक में जितने भी पार्ट हैं सबसे ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में सबम्यूकोजा में लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है. और लिम्फोइड टिश्यू क्या हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर हो जाता है बॉडी में सो उसके लिए फाइट करता है. सो डिफेंस में हेल्प करते हैं लिम्फोइड टिश्यूज. नेक्स्ट आता है म्यूकोजा. म्यूकोजा ये वाली लेयर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है म्यूकोजा और इसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं. सो लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी थी सिरोसा. नेक्स्ट मसल लेयर. मसल लेयर में ये चेंजेस पड़े थे कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हैं वो टीनिया कोलाई बनाते हैं, कलेक्ट होकर बैंड्स बनाते हैं जिनको टीनिया कोलाई करते हैं, जो कि डिस्टेंशन में हेल्प करती है लार्ज इंटेस्टाइन की. थर्ड थी सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा में लिम्फोइड टिश्यूज ज़्यादा प्रेजेंट है डिफेंस के लिए. लास्ट है म्यूकोजा जिसमें गॉबलेट सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं और मॉइस्ट रखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को और जिसे इजिली क्या है आगे भी स्टूल पास हो जाता है. सो ये था स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो हमने पहले पढ़ा कि जैसे ही हम माउथ से फूड लेते हैं आगे जाता है स्टमक से, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी हद तक एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड विटामिंस की, वाटर की और जो भी मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है. बाकी जो भी बच जाता है फूड में एब्जॉर्ब होने के लिए वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वाटर, जो भी वाटर बचता है फूड में वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो उससे क्या होता है कि जो फीसिस हैं, फीसिस मीन्स जो स्टूल्स हैं उनकी जैसे हार्ड कंसिस्टेंसी होती है, हार्ड स्टूल्स होते हैं. सो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है स्टूल्स की वो इसलिए होती है क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. सो इसलिए स्टूल्स की वैसी कंसिस्टेंसी होती है. एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिंस और कुछ ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में अंटिल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फीसिस इज अचीव्ड. सो फीसिस क्या है, एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो उनकी क्या होती है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, मतलब थोड़े से हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं. सो वो जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है लास्ट में, उसकी वजह से होता है. नेक्स्ट है बैक्टीरिया. सो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज की कॉलोनीज बनी होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. बट वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कमेंसल्स होते हैं. कमेंसल्स मीन्स वो हार्मलेस होते हैं. अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर वो हार्मलेस है, हमें कोई भी ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते. बट अगर वो बैक्टीरिया किसी और पार्ट में चले जाएँ, फॉर एग्जांपल यूट्रस में चले जाएँ, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएँ, या कहीं भी किसी और पार्ट में माइग्रेट हो जाएँ, सो तब वो वहाँ पर हार्म कर सकते हैं बॉडी को. सो नॉर्मली अगर वो जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहते हैं सो वो हार्मलेस होते हैं, जबकि वो हेल्प करते हैं फूड की, फूड को फर्मेंटेशन में, गैसेस प्रोड्यूस करने में. और किस में हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया, विटामिन के एंड फोलिक एसिड भी सिक्रीट करते हैं. सो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के और फोलिक एसिड. ये बैक्टीरिया कौन से, जैसे कि ई कोलाई, स्ट्रीचिया कोलाई, एंटीरोबैक्टर एरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस एंड क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस. सो ये कुछ बैक्टीरियाज की कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं. The gases that produces in intestine due to food and drink consumption is excreted out by the large intestine in the form of flatus. So, हमें पता है कि हमारी body में large intestine में gases produce होती हैं. अब कुछ gases तो हम food के साथ swallow कर लेते हैं, जैसे हमने food खाया या drink ली कोई भी,
सो हम नाइट्रोजन मेनली नाइट्रोजन गैस इनहेल कर लेते हैं, फूड के साथ स्वेलो कर लेते हैं, और कुछ गैसेस जो हैं बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन मेनली, ये तीन गैसेस होती हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। सो ये सब जो हैं गैसेस, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेटस, और उसको हम बोलते हैं फ्लेटस या विंड। नेक्स्ट है फूड मूव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो पेरिस्टेलिसिस होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट इसमें क्या होता है, फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास मूवमेंट। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होती है, इसमें फूड मास मूवमेंट की फॉर्म में होती है कि लाइक थोड़ी देर बाद, लाइक एक एक घंटे बाद क्या होता है कि एक स्वीप, एक प्रेशर सा बनता है, एक मास मूवमेंट मीन्स बनती है जिस जो फूड को आगे पुश करती है। सो फूड को आगे पुश करती है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। जैसे ही स्टमक में फूड आया, सो स्टिमुलस मिल जाती है लार्ज इंटेस्टाइन को कि फूड आ गया है, अब फूड को आगे पुश करना है, तो उसको बोलते हैं फूड मास मूवमेंट। वो एक पेरिस्टेल्सिस की स्वीप होती है, एक लॉन्ग स्वीप होती है जो कि फूड को आगे पुश करती है उसमें रेक्टम में और सिग्मोइड में, सिग्मोइड एंड रेक्टम में, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। नेक्स्ट है डीफिकेशन। सो डीफिकेशन क्या होता है, डीफिकेशन एक प्रोसेस है, जो भी हमारे अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल है, स्टूल्स, फीसिस, सो इनको एक्सक्रीट करना बॉडी से बाहर, सो इसको बोलते हैं डीफिकेशन। इन डीफिकेशन मास मूवमेंट ट्रांसफर टू द रेक्टम एंड रेक्टम एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट आउट। सो डीफिकेशन में क्या होता है, जो मास मूवमेंट हमने पीछे पढ़ी पेरिस्टेल्सिस की, जो कि एक प्रोपल्सिव मास मूवमेंट है, वो क्या करेगी कि फूड को ट्रांसफर कर देगी, फूड को नहीं एक्चुअली, तब वो बन गया है फीसिस, क्योंकि वो बाहर जाने वाले है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होगा जो हमारी बॉडी में, सो वो ट्रांसफर हो जाता है रेक्टम में, रेक्टम जो कि एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और वहाँ से रेक्टम से वो बाहर वेस्ट मतलब आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट। और वैसे हमारी बॉडी में रेक्टम में और एनल कैनाल में फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है फीसिस, एंड देन जब डिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इन्फेंट में क्या होता है, इन्फेंट मीन्स जो एक साल से कम के बच्चे हैं, सो एक साल तक क्या होता है कि जो डिफिकेशन है वो इनवॉल्यूंट्री एक्शन होता है। इनवॉल्यूंट्री मतलब कि उस पर, क्योंकि वो स्फिंक्चर्स जो है इतने मॉडिफाई नहीं होते, इतने मैच्योर नहीं होते हैं स्फिंक्चर जो बेबीज में होते हैं, इसलिए ये एक इन्वोल्यूंट्री एक्शन बन जाता है, अपने आप से ही बेबीज के अंदर डिफिकेशन हो जाती है, वो स्टूल पास कर देते हैं, उनके उनके कंट्रोल में ये नहीं होता डिफिकेशन प्रोसेस। डिफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप्ड इन द एज ऑफ 2 to 3 years। सो जब 2 से 3 साल का बच्चा हो जाता है तब ये रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, तब थोड़ा थोड़ा उसको कंट्रोल आ जाता है उस पर डिफिकेशन प्रोसेस पर बच्चे का। नेक्स्ट है डिफिकेशन स्टार्ट्स व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस। सो डिफिकेशन स्टार्ट कब होता है, जैसे ही डिफिकेशन स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, तो जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है मतलब एब्डोमन के अंदर, पेट के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो एब्डोमिनल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड जो भी ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और वो सब क्या करते हैं नीचे को पुश होते हैं थोड़ा सा, सो उससे क्या होता है, इससे एक तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया और थोड़े से ऑर्गन भी नीचे को पुश हुए, एक प्रेशर बन जाता है अंदर, और उससे क्या होता है कि जो हमारे स्टूल्स हैं वो पास हो जाते हैं। सो डिफिकेशन इस तरह से होता है। इन एडल्ट्स में क्या होता है कि डिफिकेशन वॉल्यूंट्री कंट्रोल होता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर्स हैं वो वेल मेच्योर्ड होते हैं, सो हमारा क्या है पूरा कंट्रोल रहता है अपने डिफिकेशन प्रोसेस पे। सो बट बेबीज में क्या होता है कि बेबीज का इनवॉल्यूंट्री होता है, तो वो अपने आप उनका डिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। फीसिस, अब फीसिस क्या है, जो एक्सक्रीटरी मटीरियल आउट हो गया बॉडी से, फीसिस या स्टूल्स बोलते हैं उसको, इज अ सेमी सॉलिड ब्राउन कलर मास। सो ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होता नॉर्मली, वो अलग बात है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में वो डिफरेंट केस है, बट नॉर्मली सेमी सॉलिड ब्राउन कलर का होता है ये मास, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन पिगमेंट। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो तो उसमें मैंने बिलीरुबिन का पाथवे बताया हुआ है, तो उसमें स्टर्कोबिलिन पिगमेंट एक होता है जो कि फीसिस को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है।
एनल स्फिंक्टर इज इन वॉल्यूंट्री कंट्रोल एंड इट ओपन्स व्हेन डिफिकेशन स्टार्ट. सो हमने दो स्फिंक्टर पढ़े थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो एनल का, वो वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होता है और वो ओपन हो जाता है जब डिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड अगर आपको ये समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.